हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव जाखोटिया एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर में हम लोग लास्ट क्लास तक क्वांटम नंबर्स और क्वांटम नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बहुत सारे डायग्राम बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन अपन लोग इन डायग्राम्स में अभी अभी ऐसा कन्फ्यूजन नहीं करते हैं कि ये डायग्राम्स कहाँ से आए, कैसे बने, क्या है, ये सब चीज़ों पे नहीं जाना। अपन तो बिल्कुल एक बेसिक चीज़ पे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे दिमाग लगाते हैं। हम लोगों ने अभी तक ऑर्बिटल्स पढ़े, जैसे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ऐसे पढ़े ना अपन लोगों ने। अब अपन ये जानना चाहते हैं कि इनका ओरिएंटेशन कैसा है, इनका शेप कैसा है। क्योंकि देखो, शेप पता चल जाएगा तो ये भी तो पता चल जाएगा कि 3D में उसका अरेंजमेंट कैसा है, और 3D अरेंजमेंट को ही तो ओरिएंटेशन या अभिविन्यास बोलते हैं ना। तो बेसिकली हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की हेल्प से हम लोग क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम लोग ओरिएंटेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं ऑर्बिटल्स का, राइट। ठीक है, अब देखो यार, ये तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल नहीं करते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ा है अपन लोगों ने। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं कि सर्कुलर पाथ के अंदर में ये अवेलेबल नहीं होते हैं। तो फिर जिसमें अवेलेबल होते हैं उसमें बता दो। तो भैया, सर्कुलर पाथ जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती, और जब सर्कुलर पाथ जैसी कोई चीज नहीं होती है तो फिर क्या होता है, वहां पर एक फैक्टर आता है जिसे अपन बोलते हैं वेव फंक्शन। ठीक है, हम लोगों ने यहां पर किसके किसके बीच में ग्राफ बनाया, तरंग फलन, वेव फंक्शन और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाया है, राइट। तो देखो, ये जो है इसका मतलब जो वेव फंक्शन है उसको हमने किसके करस्पॉन्डिंग लिया, जो उसकी वैल्यूज हमने लिखी है वो किसके करस्पॉन्डेंस में लिखी है, डिस्टेंस के करस्पॉन्डेंस में लिखी है। अभी डिस्टेंस है क्या, ये डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हो, तो दिस डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। अब देखो भाई, फ्रॉम न्यूक्लियस का मतलब तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है न्यूक्लियस। उससे इधर चलते जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ये है इसका मतलब, राइट। तो आप लोगों को 1s के लिए ग्राफ, ये ग्राफ कैसे बना दैट इज नॉट आवर स्टडी, ये हमारी स्टडी नहीं है। साइंटिस्ट ने अपना काम किया और ये अपने कोर्स में सिर्फ ग्राफ के बारे में स्टडी है, और इससे ज्यादा इसके अंदर में कुछ भी नहीं है। तो जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया और अपन को स्टडी करके बताया यहां पर कि ये ग्राफ कैसे बनना चाहिए, किस तरह से, तो 1s के लिए ग्राफ ये बना। 1s का मतलब n इज इक्वल्स टू 1, l इज इक्वल्स टू 0 के लिए ये ग्राफ हमारे सामने बन के आया। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे वेव फंक्शन का वैल्यू कम होता जाता है, है ना। तो एक चीज तो पहले ये समझ लो कि वेव फंक्शन का वैल्यू कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, और वेव फंक्शन का वैल्यू डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। पहले तो यह समझ में आया, क्योंकि वेव फंक्शन क्या है, वेव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हमें एटम में इलेक्ट्रॉन के कहां पर प्रेजेंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताता है। हाँ, या ना, एक मैथमेटिकल फंक्शन ही तो है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट्स भी किस पे डिपेंड करते हैं, डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब हुआ कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन का घनत्व कहां पर है, न्यूक्लियस के सबसे पास। न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे वेव फंक्शन का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम। वेव फंक्शन का वैल्यू कम, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी जो वैल्यू है, या इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, राइट। 2s के लिए इसने कर्व बना के दिया हुआ है साइंटिस्ट ने। 2s का मतलब क्या हो गया, n इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 0, यही तो होता है। आप देखो, ये तो वही चीज है, ये हो गया पॉइंट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, साई का वैल्यू सबसे ज्यादा है, राइट। लेकिन जैसे 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 डिस्टेंस बढ़ती जाती है, वी फाइंड दैट हमको एक बहुत ही सरप्राइजिंग पॉइंट मिलता है, और वो पॉइंट क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे वेव फंक्शन का वैल्यू जीरो। वेव फंक्शन का वैल्यू जीरो मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मिलने वाले कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू भी जीरो। मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो, तो उसे अपन लोगों को क्या बोलना चाहिए, उसे अपन लोगों को बोलना चाहिए नोड। ये चीज क्लियर हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि 1s और 2s का जो कर्व होता है वो एक जैसा नहीं होता। 1s में कोई नोड जैसी चीज नहीं होती, मतलब ऐसी कोई लोकेशन, ऐसा कोई जगह नहीं होता है
जहां पर ऐसी कोई जगह या ऐसी कोई लोकेशन नहीं होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, जीरो। लेकिन यहां पर 2s का जो कर्व अपन बनाते हैं तो यहां पे हमें वेव फंक्शन का वैल्यू जीरो मिलता है। इसका मतलब ये कैसा पॉइंट है, ये कैसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी या वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो है, राइट। उसके बाद वापस से क्या होती है, उसके बाद वापस से ये वैल्यू एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वेव फंक्शन की वैल्यू बढ़ने लगती है, राइट। सिमिलरली यहां देखेंगे तो यहां पर क्या होता है, 2p के लिए जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते हो वैसे वैसे साइन का जो वैल्यू है वो बढ़ता जाता है, अटेन्स अ हाईएस्ट वैल्यू, और डिस्टेंस बढ़ाने के बाद फिर साइन का वैल्यू क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। चलिए अब देखो ये तो हो गया साइन का, लेकिन हम सब जानते हैं कि साइन की क्या होती है, कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस तो होती नहीं है, राइट। तो जिसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस हो, जिससे हमारे को कोई रिजल्ट मिले, उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो साई की फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है तो फिर साई स्क्वायर की तो है ना, राइट। तो साई स्क्वायर के लिए आप लोगों को वापस 1s के लिए आपने कर्व बनाया, तो यू फाइंड दैट कि डिस्टेंस बढ़ाने पर साई स्क्वायर की वैल्यू कम होती जाती है। मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है, राइट। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यही है, डिस्टेंस बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज नूल, ठीक है। इस कर्व को पूरा कर लेते हैं, ये जो कर्व है ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, राइट। इसका मतलब यही हुआ, वापस से यहां से यहां तक, मतलब कुछ ऐसा होता है, मतलब मान लो कि ये न्यूक्लियस से शुरू कर रहे हो तो हो सकता है ये जो स्पेस हो, ये जो डिस्टेंस हो, ये फर्स्ट शेल की प्रेजेंस को शो कर रहा हो। फर्स्ट शेल से जब सेकंड शेल की तरफ जाते हैं तो एक ऐसा बिंदु मिलता हो, या ऐसा बिंदु मिलता है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो क्या होता है, जीरो होता है, राइट। अब उसके आगे जब बढ़ते हो तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती जाती है, और वापस से इट ऑब्टेन्स अ हाईएस्ट वैल्यू, साई स्क्वायर का वैल्यू कैसा आता है, हाईएस्ट आ जाता है, और फिर डिस्टेंस बढ़ाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है, फंक्शन है, वो वैल्यू भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। सिमिलरली जब आप यहां पर साई स्क्वायर वर्सेस आर का कर्व बनाते हैं 2p के लिए, ये वाला 2s के लिए था, 2p के लिए जब ये कर्व बनाते हैं तो वी फाइंड दैट डिस्टेंस बढ़ाने पर साई स्क्वायर का वैल्यू बढ़ता जाता है। मतलब इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर न्यूक्लियस से, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद डिस्टेंस बढ़ाने पर यह प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है, राइट। ये कर्व से हमें यह तो पता चल गया इलेक्ट्रॉन रहता तो ऑर्बिटल में ही, क्यों, क्योंकि ऑर्बिटल जैसे देखो आप, लाइक दिस इज द न्यूक्लियस, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, अपन लोग ऐसा बोल के बनाते हैं। तो भाई इस सेकंड के अंदर में दो ऑर्बिटल होते हैं, एक तो होता है 2s और एक होता है 2p, तो 2s 2p दोनों के बारे में जानना है। सिमिलरली यहां पे 3s 3p और 3d, तो इन सबको ज्यादा अच्छे से डिटेल में कब डिस्कस कर सकते हैं, इनको तब डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है जब अपने पास में इनके शेप अपन को पता हो, तभी तो अपन इसको अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे ना। तो देखो इसको कैसे करते हैं, बड़ा ही आसान काम है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है इसका। तो इससे अपन लोगों को यह समझ में आया कि साई वेव फंक्शन और डिस्टेंस में रिलेशनशिप होता है, साई स्क्वायर और आर में रिलेशनशिप होता है। कभी कभी ये कर्व पूछ लेते हैं डायरेक्टली, जैसे 1s के लिए सही कर्व कौन सा है, 2s के लिए सही कर्व कौन सा है। तो इसलिए आपको ये डेटा जो है, ये जो कर्व है, ये अपने माइंड में रखने हैं, राइट। अब देखो कैसे अपन डिस्कस कर सकते हैं, और यहां पर इस डिस्कशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आई, नोड जिसको अपन लोग बोलते हैं, है ना। तो अपन लोग यहां पर शेप को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे भी पहले अपन लोग ये जो है नोड को भी डिस्कस कर लें, ताकि जब शेप का डिस्कशन हो तो नोड अपन को अच्छे से समझ में आ जाए। करें शुरू एक बार, चलो अब देखते हैं कि अपन लोग यहां पे जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन करेंगे अब एक नया टर्म के बेसिस पर। बोले शेप की जरूरत क्या पड़ी, आज से पहले तक
मतलब साइंटिस्ट ने अपना कर्व दे दिया, अपन लोग इसी को बोलते थे ये 1s का शेप है या 1s का कर्व है, ये 2s का कर्व है, ये 2p का कर्व है, अभी बनाया था ना, तो बस उसी को बोल देते थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने अपनी प्रोग्रेस करी तो उसके बाद चीजें थोड़ी सी मुश्किल होती गई। मुश्किल देखो, बाउंड्री सरफेस डायग्राम, मशीन की हेल्प से हम लोगों ने कुछ बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाए। वो डायग्राम कैसे थे वो एक बार आप लोग देख लो, वो डायग्राम कैसे थे। वो डायग्राम कुछ मैं अप्रोक्सीमेट डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको वो चीजें समझ में आ जाए। देखिए ये जो कर्व है या ये जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम है ये 1s ऑर्बिटल के लिए बनाया हम लोगों ने, और ये जो बनाया है ये 2s ऑर्बिटल के लिए बनाया। ये जो पार्ट है ये किसको शो करता है, ये न्यूक्लियस को शो करता है, ये नाभिक को शो करता है, और ये जो पार्ट है ये पार्ट साय स्क्वायर को इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी को शो करता है, राइट। अब आप इधर देखेंगे ये एक ऐसा पार्ट है, देखो इसमें टोटल तीन पार्ट है जो अपने देखने के। सबसे पहला पार्ट ये तो न्यूक्लियस है, ये दूसरा क्या है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, और ये क्या चीज है, ये एक ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो वहां पर ऐसा ब्लैंक स्पेस, खाली जगह आपको मिलनी चाहिए, नोड मिलना चाहिए, है ना, ब्लैंक स्पेस मिलना चाहिए। ब्लैंक स्पेस का मतलब हो गया, अगर मैं आपको पूछूं कि मैथमेटिकली नोड का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है ये नोड की डेफिनेशन। तो देखिए नोड इज डिफाइंड एज ए प्लेस, नोड इज डिफाइंड एज ए प्लेस। अब ये प्लेस क्या क्या हो सकते हैं, इट मे बी अ पॉइंट और इट मे बी अ प्लेन। नोड इज डिफाइंड एज द प्लेस, नोड इज डिफाइंड एज द पॉइंट, नोड इज डिफाइंड एज द प्लेन एट विच वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो जब ये डायग्राम हमारे सामने आए तो इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को इसके शेप के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। लेकिन शेप के बारे में बेटर कब जान सकते हैं, जब अपन नोड के बारे में बहुत अच्छे से जान लेंगे। तो देखिए अब इस चीज को समझिए कि ये इसका क्या मतलब है, नोड के बारे में क्या जाने अपन, जिससे अपनी सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो देखते हैं एक बार नोड के बारे में क्या क्या जाना जा सकता है ना। तो देखिए बच्चों इसको दो तरीके हैं पढ़ने के। पहला तरीका यह है कि मैं सिर्फ आपको नोड के बारे में बताऊं, और दूसरा तरीका यह है कि मैं आपको शेप भी बताता जाऊं और नोड भी समझाता जाऊं। जहां पे हमें जरूरत लगेगी वहां पर नोड को थोड़ा ज्यादा डिस्कस कर लेंगे, और अदरवाइज जो अपना मेन टॉपिक है उस टॉपिक पे स्टिक रहेंगे, राइट। तो सबसे पहला काम अपन लोग शेप पे ही, तो फर्स्ट चीज की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर एस ऑर्बिटल के शेप, ठीक है। अब देखो एस ऑर्बिटल में तो हमारे पास में तो दो दो केस थे, 1s और 2s, मान लेते हैं सेम बन जाता तो हम लोग एक ही डिस्कस करते, लेकिन अब यहां पे एक डिस्कस नहीं कर सकते। पहली बात साइन वर्सेस आर के कर्व से भी हम लोगों को अलग अलग डेटा मिल रहे हैं 1s और 2s के लिए, है ना। साइन स्क्वायर वर्सेस आर से भी अपन को अलग अलग डेटा मिले, अलग अलग कर्व मिले, और जो अपन लोगों ने बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाया है उससे भी हमारे को अलग अलग डेटा मिल रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो 1s और 2s है ये दोनों ही जो है अलग अलग इनकी शेप होती है, कैसे बनाया जाता है वो एक बार देख ले। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपसे पूछे कि इस s ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है तो s ऑर्बिटल की जो अभी आपने बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाए थे उनसे पता चला कि इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप होती है स्फेरिकल, मतलब गोलाकार इसकी जो है वो शेप होती है, राइट। अच्छा अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इन दोनों की एनर्जी के बारे में बात कर लिया जाए, तो देखो एनर्जी से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है,
एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ये याद रखना। तो इसका मतलब अब 1s और 2s में s और s तो कॉमन ही है, तो एनर्जी कौन डिफाइन करेगा? एनर्जी शेल नंबर डिफाइन करेगा। तो इसका मतलब 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की, फिर 3s की, फिर 4s की। लेकिन हर किसी का, देखना याद रखना है इस बात को, हर किसी का शेप तो स्फेरिकल ही रहेगा। आ रहा है समझ में? हर किसी का शेप तो स्फेरिकल ही रहेगा, लेकिन एनर्जी इस ऑर्डर में काम करेगी। अब उसके बाद के अंदर में शेप के बाद में अब अपन साइज पे इनका कंपेयर कर लेते हैं, है ना। अब अपन को शेप पता चल गई, चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो, सारे के सारे कैसे होंगे? सारे के सारे गोलाकार होंगे, सारे के सारे सर्कुलर अपन को टू मतलब पेपर पे बनाएंगे तो एक सर्कल जैसे दिखेंगे। तो बताओ किसका साइज बड़ा होता है? बताओ 1s का होता है कि 2s का होता है? तो याद रखना साइज इज ऑल्सो प्रपोर्शनल टू शेल नंबर। तो इसका मतलब 1s का साइज सबसे छोटा, फिर 2s, उससे बड़ा साइज 3s, उससे बड़ा साइज 4s, एंड सो ऑन। ये ऑर्डर भी काम करेगा, राइट। अब अपन बात करते हैं इसमें नोड के लिए। नोड को देखो कैसे डिस्कस कर सकते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना पॉइंट है वो ये है, अपन लोगों ने एक सर्कल बनाया, यहां पे मार्क किया किसको? न्यूक्लियस को, राइट। अब देखो इसके अगल बगल, इसके आसपास हम देख पा रहे हैं, देखो न्यूक्लियस नजर आ रहा है, न्यूक्लियस के आसपास में जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। और डिस्टेंस बढ़ाने से, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। मतलब इधर बाहर की तरफ देखोगे तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं है, राइट। अब देखो नोड की बात करते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि नोड के बारे में थोड़ी चीजें अच्छे से जान लेते हैं। तो नोड जो है वो दो टाइप की होती है, नोड दो टाइप की होती है। फर्स्ट जिसे अपन बोलते हैं रेडियल नोड, सेकेंड जिसे अपन बोलते हैं एंगुलर नोड। इसका एक और नाम है और वो नाम है नोडल प्लेन, राइट। रेडियल नोड को हिंदी में बोला जाता है त्रिज्य नोड, ये हिंदी इंग्लिश डिटेल सब बताता हूं आप लोगों को। और एंगुलर नोड को बोला जाता है कोणीय नोड, और या फिर हम उसको बोल सकते हैं नोडल तल। इसको क्या बोल सकते हैं? नोडल तल बोल सकते हैं। क्लियर, बात समझिए। आगे बढ़ते हैं अपन, इसको थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। देखिए नोड तो कैसी जगह है? नोड एक ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है, है ना। तो आप देखो मैंने आपको बोला था कि दिस प्लेस मे बी अ पॉइंट और मे बी अ प्लेन। तो देखो ये जो एंगुलर नोड या नोडल प्लेन की बात करोगे तो यहां पर आप क्या डिस्कस करोगे? यहां पर आप प्लेन के बारे में डिस्कशन करोगे। और जब भी आप रेडियल नोड की बात करोगे तो यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करोगे, यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करोगे। अब देखो अगर ये 1s है तो यहां पे कोई ऐसा, देखो 1s मतलब एक बॉल के जैसा मान लो, 3D बॉल के जैसा मान लो। तो आप चाहे x एक्सिस बनाओ, चाहे y एक्सिस बनाओ, चाहे आप z एक्सिस बनाओ, आप कोई से भी एक्सिस बना लो, आप अगर यहां पे ये कहते हो कि ये एक अगर s ऑर्बिटल है देखिए, अगर ये 3D के अंदर में एक ऑर्बिटल बन गया है, स्फेरिकल बन गया है, तो इसमें x, y और z, आप कोई भी प्लेन बना लीजिए, xy प्लेन, yz प्लेन, xz प्लेन, कोई भी प्लेन बना लीजिए, वो प्लेन हमेशा और हमेशा इस स्फेयर को ऐसी जगह पर कट करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा। भाई आप बॉल को कट करोगे, बॉल अगर पूरी सॉलिड है, एक बॉल है वो पूरी सॉलिड है, तो कहीं से भी कट करो अंदर में उसको मटेरियल मिलेगा ना। मटेरियल नहीं मिल रहा है ऐसे प्लेन को क्या बोला जाना चाहिए? नोडल प्लेन बोला जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है ऐसे प्लेन को नोडल प्लेन बोलते हैं ना। तो इसका मतलब यह हुआ एस ऑर्बिटल्स में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होते, याद रखना है इस बात को। एस ऑर्बिटल में कभी भी आप नोडल प्लेन नहीं लिखेंगे, नोडल प्लेन होते ही नहीं है, कोई ऐसा प्लेन होता ही नहीं है जहां पर
इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो, राइट। अच्छा, फॉर्मूला पूछा जाए हमसे, बोले हमको ये नहीं याद रहा, तो इसका एक फॉर्मूला बता देता हूं। एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है एल, बस एंगुलर नोड इज इक्वल्स टू एल। इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, एल के बराबर होती है। अब आप मुझे बताओ, एस ऑर्बिटल की जब भी आप बात करोगे तो एस ऑर्बिटल के लिए, एस सबशेल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, जीरो। तो इसका मतलब एंगुलर नोड कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, राइट। अब रेडियल नोड की बात करते हैं, तो रेडियल नोड क्या होता है, रेडियल नोड का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। इसका फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। तो अब जरा देख लेते हैं एक बार भाई, 1s के लिए आप देखोगे तो 1s के लिए n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0। जब आप ये वैल्यू यहां पे पुट करोगे 1 0 1, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड दैट कि रेडियल नोड का वैल्यू कितना आ गया, रेडियल नोड का वैल्यू आया 0। इसका मतलब हुआ कि 1s ऑर्बिटल में कितने रेडियल नोड्स होते हैं, 0 होते हैं। मतलब 1s के अंदर में, 1s ऑर्बिटल के अंदर में एक भी नोड नहीं होता, चाहे वो रेडियल टाइप का हो चाहे वो एंगुलर टाइप का हो, राइट। अब 2s के लिए बात करते हैं, तो 2s के लिए देखोगे n इज इक्वल्स टू 2, l का वैल्यू 0। तो देखो, रेडियल नोड जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, रेडियल नोड के लिए n माइनस एल माइनस वन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। अब इसको ग्राफिकली कैसे शो करें कि एक रेडियल नोड होता है ना, रेडियल नोड होता है। मैंने आपको वहां बोल तो दिया कि पॉइंट होता है, अब वो पॉइंट कहां है वो मैं आपको इसमें बता देता हूं कि वो पॉइंट कहां है ना। तो आप देखो एक बार, वो पॉइंट कहां है, दिस इज द न्यूक्लियस। अब आप आगे देखिए, यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, राइट। और अब देखिए, हम सब जानते हैं ये जितना भी डिस्कशन अपन लोग कर रहे हैं, इसका शेप साइज, इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारा डिस्कशन अपन लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को, लेटेस्ट मॉडल को ध्यान रखते हुए कर रहे हैं, राइट। तो देखिए जरा, ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हो गया, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज 1s ऑर्बिटल, दिस इज 2s ऑर्बिटल, दोनों है तो सर्कुलर ही, ये पढ़ा था अपन लोगों ने। लेकिन ये जो बीच में जगह है, ये बीच वाली जगह किसको शो करती है, रेडियल नोड को शो करती है, रेडियल, रेडियस, ऐसा त्रिज्या, रेडियस जैसा, तो एक ऐसा ट्रैक जैसा बना लिया गया इसने, है ना। लेकिन हम सब जानते हैं ये सिर्फ दिखाने के लिए इतना बड़ा बड़ा गैप छोड़ा गया, अदरवाइज इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इन सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। हम लोग यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक नहीं बना सकते, बिकॉज सर्कुलर ट्रैक में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ही नहीं करते क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब रेडियल ट्रैक बनेगा, लेकिन ओरिजिनली वो शो किसको करेगा, वो तो पॉइंट्स को ही शो करेगा। ये बात अपन को समझ में आ गया क्या, क्लियर है ना, ठीक है। तो अब देखिए, आप लोगों ने एस ऑर्बिटल के बारे में काफी चीजें जानी, एस ऑर्बिटल में कहां पर नोड्स होंगे कहां पर नोड्स नहीं होंगे ये आप लोगों ने जाना, साथ ही साथ ये भी जाना कि रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स क्या होते हैं, राइट। एंगुलर नोड्स की जगह आपको ऐसा कंफ्यूज करने के लिए नोडल प्लेन भी पूछ सकते हैं कि नोडल प्लेन बताओ, तो नोडल प्लेन भी आप लोग इसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट पार्ट और है जो पूछा जा सकता है, वो है टोटल नंबर ऑफ नोड्स बताइए। तो टोटल नोड्स का फॉर्मूला होता है n माइनस वन, क्यों, रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन, एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला होता है l। मैंने हर किसी के साथ में, है ना, मतलब नंबर ऑफ लिख देना बस आप लोग,
नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, और आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो नंबर ऑफ नोडल ग्लैंड्स, ये भी कितना होता है एल। तो आप जब इन दोनों को जोड़ोगे तभी तो हमारे पास में टोटल नोड्स आएगा ना, और इन दोनों को जोड़ने पे क्या फॉर्मूला आता है, एन माइनस वन, राइट। तो याद रखना फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए अगर ट्रैक पे कुछ बन रहा है तो इसका मतलब वो रेडियल नोड है। प्लेन भी अभी अपन डिस्कस करेंगे, अभी तक अपन ने प्लेनर नोड्स के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं किया है, प्लेन के बारे में भी अब अपन लोग इसको डिस्कस करते हैं। चलिए तो एस ऑर्बिटल खत्म है ना, आगे बढ़ते हैं, अब पी ऑर्बिटल को डिस्कस करते हैं। तो पी ऑर्बिटल को या डी ऑर्बिटल को जो अपन डिस्कशन करेंगे उसको इस तरह से डिस्कस किया जाए कि जो पुरानी इंफॉर्मेशन अपन लोगों ने पढ़ी है उससे अपना काम थोड़ा आसान हो जाए। देखिए शेप ऑफ पी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, अब पी ऑर्बिटल की अगर आप बात करते हो बच्चों तो एल का वैल्यू होता है 1, किसी के लिए भी देख लो, हमेशा और हमेशा अपन ने पढ़ाई यही है कि जब भी एल का वैल्यू 1 होगा तो हमेशा पी ऑर्बिटल मार्क किया जाएगा, यही है ना। और जब भी एल का वैल्यू 1 होता है तो एम का वैल्यू क्या होता है, माइनस 1, 0 और प्लस 1, यही तो अपन ने पढ़ा। तो इसका मतलब हुआ कि पी ऑर्बिटल टोटल कितने पी ऑर्बिटल्स होते हैं नंबर में, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये तो याद रखो सबसे पहले, राइट। और ये जो 3 ऑर्बिटल्स है ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं पी एक्स, दूसरा होता है पी वाई, अगला होता है पी जेड, राइट। अब ये पी एक्स पी वाई पी जेड क्या है, मतलब ऐसा ऑर्बिटल जो एक्स एक्सिस के अलोंग बना हुआ हो, एक्स एक्सिस के अलोंग अलाइन हो, y एक्सिस के अलोंग ओरिएंट किया गया हो, z एक्सिस के अलोंग ओरिएंट किया गया हो। देखो बना लेते हैं, देखो एक डायग्राम को 3D में बनाते हैं, बाकी के लिए 2D एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, जस्ट लाइक ये हो गया तुम्हारा x, ये हो गया तुम्हारा y और ये हो गया तुम्हारा z एक्सिस। अब आपको क्या बनाना है, पी एक्स बनाना है। तो देखो ये कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनना चाहिए। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि ये पी ऑर्बिटल का शेप बनता कैसा। तो पी ऑर्बिटल का जो शेप है वो बनेगा डंबल, पढ़ा है कुछ ऐसा अपन लोगों ने, वो बनेगा डंबल। डंबल का मतलब होता है देखो, डंबल का बिल्कुल सिंपल सा फंडा क्या है, सिंपल सा फंडा है हमारे पास कि एक ऐसा शेप बनना चाहिए जिसपे दो पार्ट्स हो, जिसके दो पार्ट्स हो, दो लोब्स हो, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लोब्स और हिंदी में इसको बोल देते हैं पालियां, है ना, दो पालियां होती है। देखो लॉजिक क्या है, कैसे इसको पढ़ा जा सकता है ये एक बार देख लो। डंबल शेप होना चाहिए, डंबल शेप ऐसा होता है। अब चाहे इस डंबल को आपने अभी ऐसा रखा हुआ है, इसको स्ट्रेट रख दो, इसको किसी भी डायरेक्शन में रख दो, ये शेप तो डंबल ही है। तो डंबल जैसा ही तो बनाया, किस एक्सिस के अलोंग बनाया, एक्स एक्सिस के अलोंग। अब आप बोलते हो कि वाई एक्सिस के अलोंग बनाओ, तो देखो वाई एक्सिस के अलोंग भी बना सकते हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये जेड, ये वाई, एक्स डैश, जेड डैश, वाई डैश। तो देखो आ गया समझ में। अब आपको बोला जाए कि पी जेड बना के दिखाओ, ये क्या है, ये है पी वाई, ये क्या है पी एक्स, है ना। अब देखो अगला पार्ट डिस्कस करते हैं, तो ये हो गया एक्स जेड वाई, एक्स डैश, जेड डैश, वाई डैश, ये देखो ये बन गया टीज, राइट। तो डंबल शेप बनाना है हमेशा कुछ इस तरह से, राइट। अब देखो इसको लोब्स बोलते हैं इन दोनों को, ये पॉइंट क्या शो करते हैं, ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये पॉइंट शो कर रहा है नोड के बारे में, ये पॉइंट शो कर रहा है नोड के बारे में, सिंपल। अब देखो अपन तो एग्जांपल से शुरू कर लेते हैं, बस एग्जांपल पहला है 2p ऑर्बिटल,
पहले नोड का डिस्कशन कर ले, फिर शेप साइज है ना एनर्जी इनका भी डिस्कशन कर लेंगे, बड़ा सिंपल सा पार्ट है अब तो। तो देखो 2p ऑर्बिटल के लिए n का वैल्यू होता है 2, l का वैल्यू होता है 1, राइट। तो देखो रेडियल नोड की बात करते हैं सबसे पहले, तो रेडियल नोड इज n माइनस l माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। मतलब ऐसा कुछ पॉइंट नहीं मिलता है, ऐसा कोई रेडियल ट्रैक नहीं मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0, मतलब ऐसा कोई ट्रैक होता ही नहीं है, राइट। अब बात करते हैं एंगुलर नोड की। एंगुलर नोड इज इक्वल्स टू 1, कहां है इसमें एंगुलर नोड? तो देखो कहां पर है इसमें एंगुलर नोड, ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ये बड़ा अच्छा पार्ट है। अब देखो आपने क्या बनाया है यहां पर, आप ढंग से देखो, एक्स एक्सिस बनाया है ना। अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में एक बार समझ लेते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड में किसी भी एक के लिए, और फिर उसके बाद अपन को ये क्लियर हो जाएगा कि कहां पर एक्सिस, कहां पर है ये एंगुलर नोड का है। एंगुलर नोड का मतलब होता है नोडल प्लेन का है, एक नोडल प्लेन दिखाओ मुझे आप, यही तो मतलब हुआ ना, एक ऐसा प्लेन बताओ जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो चलिए चेक करते हैं वो कैसे। क्या px, py और pz अलग अलग होते हैं? px, py और pz तीनों साइज में, शेप में और एनर्जी में सेम होते हैं, याद रखना, दोबारा बोल रहा हूं, px, py और pz तीनों ही शेप में, साइज में और एनर्जी में सेम होते हैं, केवल एक ही डिफरेंस होता है, उनका ओरिएंटेशन अलग अलग होता है, एक एक्स एक्स पर, एक वाई एक्स पर और एक जेड एक्सिस पर ओरिएंट किया जाता है, बस यही डिफरेंस होता है, इसके अलावा पीएक्स पीवाई पीजेड में कोई डिफरेंस नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार, है ना। तो अब देखो एक बार, देखो अगर मैं इस डायरेक्शन को, है ना, मैं यहां पर इससे बना देता हूं, देखो ये एक मैंने प्लेन बनाया, अब मैं आपको समझा देता हूं ये कौन सा प्लेन है। इसको बोल देते हैं एक्स, इसको बोल देते हैं वाई और इधर बोल देते हैं जेड। ये हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा एक्स डैश और इधर हो जाएगा वाई डैश। आपको इसमें कौन सा प्लेन नजर आ रहा है, किससे किससे बना हुआ है वो प्लेन, वो आप देखो, वाई एक्सिस, सॉरी ये जेड एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है। तो ये प्लेन का नाम क्या है? इस प्लेन का नाम है वाई जेड प्लेन। इस प्लेन का नाम क्या है? वाई जेड प्लेन। अब मैं यहां पर क्या बना रहा हूं, मैंने यहां पर बना दिया तो देखो एक्स अक्ष के अलोंग हम लोगों ने यहां पर ऑर्बिटल बनाया, तो ये क्या बना, ये बना पीएक्स ऑर्बिटल। और ये प्लेन कौन सा है? ये प्लेन YZ प्लेन है। YZ प्लेन कहां से पास हो रहा है? इस न्यूक्लियस से पास हो रहा है, इस सेंटर से पास हो रहा है, एक ऐसे बिंदु से पास हो रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। तो YZ प्लेन कैसा प्लेन है? एक नोडल प्लेन है, क्योंकि YZ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही, एक्स अक्ष के अलोंग ही, एक्स अक्ष के सापेक्षी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। तो इसका मतलब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि पी एक्स के लिए नोडल प्लेन कौन सा होता है, तो योर आंसर शुड बी वाई जेड। टी वाई के लिए क्या होगा फिर? एक्स जेड। और पी जेड के लिए क्या होगा फिर? एक्स वाई, राइट। तो देखो पी एक्स ऑर्बिटल के लिए कितने एंगुलर नोड होने चाहिए? 1। पी वाई के लिए कितना होना चाहिए? पी जेड के लिए कितना होना चाहिए? तो ये चीज अपन को क्लियर हो गया, राइट। यहां तक की बात समझ में आती है? क्लियर। तो अब अपन आगे डिस्कशन करते हैं, देखिए सॉरी, अगला डिस्कशन है डी ऑर्बिटल्स के लिए। अच्छा एक चीज और पूछ सकते हैं, है ना, पी ऑर्बिटल्स में ही बता रहा हूं अभी, एक चीज और पूछी जा सकती है, वो एक बार देखो क्या है, 2p, 3p,
4p 5p सबका शेप कैसा है? डंबल, यही होता है ना डंबल। साइज तो हम लोगों ने पढ़ा था, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, क्योंकि पी 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 सबका ही तो शेप तो सेम ही है। कौन सा डंबल बड़ा होगा, किसका साइज बड़ा होगा, तो याद रखना ये ये इस तरह से कंटिन्यू होता रहेगा, राइट। इसी तरह से अगर एनर्जी की बात की जाए कि बताइए 2p की एनर्जी ज्यादा होती है या 3p की या 4p की या 5p की, तो उस केस के अंदर में भी यही ऑर्डर फॉलो होने वाला है, क्लियर है। अब अपन बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स के बारे में। देखिए डी ऑर्बिटल्स की जब भी आप बात करते हैं तो आपको मालूम है कि यहां पर एल का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू होना चाहिए 2। और अब अगर अपन यहां से देखेंगे तो एम का वैल्यू क्या क्या हो जाना चाहिए, -2, -1, 0, +1 और +2, यही तो 5 वैल्यूज हो जानी चाहिए ना इसकी, यस और नो, राइट। इसका मतलब डी ऑर्बिटल्स जब भी होंगे तो टोटल नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स कितने मिलेंगे हम लोगों को, हमेशा हम लोग को हमेशा नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स 5 मिलेंगे हमेशा। क्या क्या नाम होते हैं तो नाम देख लीजिए इनके, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, माइनस भी बोल सकते हो डैश भी बोल सकते हो, चीजें एक ही है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। और एक और होता है dz स्क्वायर। सबसे पहली बात की जाए इसकी शेप कैसी होती है, तो इसकी शेप होती है डबल डंबल, द्वि डंबलाकार बोलते हैं इसको, दो डंबल बनेंगे, मतलब एक तो ये बन गया, एक दूसरा और बनेगा, ऐसी शेप होगी। अब इसको थोड़ा शिफ्ट कर लो, आगे पीछे कर लो, ये कुछ इस तरह से बनना चाहिए, राइट। इसमें एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्शन है, अपवाद है, और वो अपवाद क्या है, डी जेड स्क्वायर का शेप डबल डंबल नहीं होता है ना। डी जेड स्क्वायर का जो शेप है उसका नाम होता है बेबी सूथर के जैसा होता है ना, बेबी, ये कई बार वैसे पूछता नहीं है, ये शेप का नाम है, बेबी सूथर बोलते हैं इसको, ये अपन को याद रखना है बस, है ना। वैसे कोई पूछता नहीं है, बस ये पूछता है किसका शेप डबल डंबल नहीं होता है, तो वो आप लोगों को याद रखना है कि इसका शेप नहीं होता, ठीक है। अच्छा अब देखो ये अलग अलग जो अपन ने बनाए हैं, ये अलग अलग बनेंगे कैसे वो एक बार अपन देख लेते हैं, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है अपन लोगों को कि बनेंगे कैसे। बस देखो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अपन लोग देखेंगे, फर्स्ट डी एक्स वाई बनाना है तो एक्स वाई लिखेंगे, एक इधर बना देंगे और एक इधर बना, ये हो गया डी एक्स वाई, सिंपल। जबरदस्ती अपन 3D में नहीं जाएंगे, 3D में जाते हैं तो कंफ्यूजन होती है, सिंपल वे में बात करेंगे। इधर देखो अब अगर अपन को डी वाई जेड बात करना है तो यहां लिख दीजिए y, यहां लिख दीजिए z, ठीक है, ये हो गया डी वाई जेड, राइट। अब डी एक्स जेड की बात की जाए तो डी एक्स जेड में एक होना चाहिए x और एक होना चाहिए z, एक बनना चाहिए इधर और एक बनना चाहिए इधर, ये हो गया डी एक्स जेड, राइट। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे बनता है वो देखो, यहां पे होना चाहिए x, यहां पे होना चाहिए y, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक बनेगा x पर, एक बनेगा y पर, ये क्या चीज है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z, x डैश y डैश और z डैश, ये कैसे बनेगा ये एक बार आप देखो, तो देखो डी जेड स्क्वायर मतलब z पर एक लूप बना दीजिए और एक ऐसा 3D रिंग बना दीजिए। देखिए 3D रिंग इधर से, तो सामने से जब आप देख रहे हो तो सामने से तो ये रिंग आपको दिख ही रहा है, दिख रहा है, लेकिन
यहाँ ये जो पीछे की तरफ है यहाँ पर आपको डैश डैश बनाना पड़ेगा, मतलब ये पीछे की तरफ से नहीं दिख रहा आप लोगों को, ठीक है। इसी को बोलते हैं बेबी सूथर, इसी शेप को बोलते हैं बेबी सूथर। ये किसके लिए हो जाएगा? डी जेड स्क्वायर के लिए हो जाएगा, राइट। आई थिंक आप लोगों को शेप समझ में आ गया, ये शेप याद रखनी पड़ेगी, है ना। इसलिए मैंने सबसे सिंपलेस्ट वे में आप लोगों के लिए शेप्स बनाई है, इसको अपन को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें और क्या पूछा जा सकता है डी ऑर्बिटल में? डी ऑर्बिटल में अपन से पूछ सकता है बताइए कितनी नोड्स होती है। तो बहुत सिंपल है डी ऑर्बिटल। अच्छा अब देखो, जब डी ऑर्बिटल्स के लिए ये चीज आपने श्योर होके बोला, कि L का वैल्यू कितना होना चाहिए? 2। और L का वैल्यू 2 होने के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ n कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, क्योंकि जब n का वैल्यू 3 होगा तभी तो एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 मिलेगा ना, राइट। तो देखो, अब n का वैल्यू 3 है, L का वैल्यू 2 है, तो सबसे पहले रेडियल नोड काउंट कर लेते, और रेडियल नोड काउंट करोगे तो n माइनस एल माइनस 1 किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम? 3d के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है। तो 3 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, कोई भी रेडियल नोड नहीं होती है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होता, कोई भी ऐसा रेडियल ट्रैक नहीं होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रॉबेबिलिटी 0। एंगुलर नोड, एंगुलर नोड आर L, तो इसका मतलब 2 होना चाहिए, मतलब dxy, dyz, dxz, इनमें दो प्लेन ऐसे होने चाहिए जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? 0, राइट। इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0। तो हर किसी के साथ, dxy के साथ भी दो प्लेन होते हैं, dyz के साथ भी होते हैं, dxz के साथ भी होते हैं, और dx2y2 के साथ भी होते हैं, दो प्लेन होते हैं, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, दो प्लेन होते हैं। इसमें एक्सेप्शन क्या है? इसमें एक्सेप्शन है dz2। dz2 में एंगुलर नोड्स कितने होते हैं? एंगुलर नोड्स होते हैं 0। क्यों? ये एक्सेप्शन है पहली बात तो, मैं तुम्हें डायग्राम से समझा देता हूं। ये जो रिंग बनाई है, ये रिंग तो x, y और z सारे एक्सेस के अलोंग है ना, जब सारे एक्सेस के अलोंग है तो कोई ऐसा प्लेन बचा ही नहीं जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो याद रखना dz2 में एंगुलर नोड्स की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब आपको कोई भी ऑर्बिटल दे दे, आप उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हो। दिस कंप्लीट्स योर शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एज वेल एज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट नोड्स इन ए ऑर्बिटल, कि एक ऑर्बिटल में नोड्स कैसे काउंट करेंगे, कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ये भी अपन लोग इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही है, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।